इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में मंत्री जयवर्धन सिंह की पत्रकार वार्ता हुई। मंत्री जयवर्धन ने दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार विवाद पर बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि उमंग सिंघार मध्य प्रदेश कैबिनेट में मेरे साथी हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। रेजिडेंसी कोठी पर मंगलवार शाम मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। यहां पत्रकारों से हुई चर्चा में मंत्री जयवर्धन सिंह ने दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार विवाद पर बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि उमंग सिंघार मध्य प्रदेश कैबिनेट में मेरे साथी हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जहाँ तक सवाल उमंग सिंघार जी का है, वो कैबिनेट में मेरे साथी हैं और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा उनके साथ एक निजी संबंध भी है और अगर कुछ उनको कहना भी है तो मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा और उनसे बात करूँगा, लेकिन मैं इस पर और कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में एक ही पावर सेंटर है, मुख्यमंत्री कमलनाथ का, उनके ही निर्देशों का सभी पालन करते हैं और वही नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने उमंग सिंघार द्वारा दिग्विजय सिंह पर लगाए आरोपों को नकारा और कहा कि जो पूछ रहा है उसी से पूछो। जहाँ तक सवाल पावर सेंटर का है, मैं ये बात रिकॉर्ड पे आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, हमारा एक ही पावर सेंटर है और वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। जो आदेश वो हमें देते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, हम पूरे अनुशासन के साथ माननीय सीएम साहब के आदेश का पालन करते हैं। कुछ भी अगर हमें बात भी रखनी होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें हमारी बात रखने के लिए पर्याप्त समय देते हैं, पर्याप्त अवसर देते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।